बागली तहसील के गांव भील आमला के जंगल में महुआ से बनने वाली अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आबकारी विभाग द्वारा लगातार उक्त क्षेत्र में अवैध तरीके से बन रही महुआ शराब के खिलाफ दबिश देकर कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार की सुबह आबकारी विभाग और SDM द्वारा गठित संयुक्त टीम एवं जिला अधिकारी नागेंद्र सिंह जादव और प्रेम यादव की उपस्थिति में आदिवासी क्षेत्र भील आमला के जंगल में महुआ से बन रही अवैध शराब के 8 ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की गई है। दबिश के दौरान गांव से दूर घने जंगल के बीच में अवैध शराब कारोबारियों द्वारा महुआ से बनाई जा रही शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही में 150 लीटर हाथ पट्टी मदिरा और 20,000 किलो महुआ लहान मौके से जब्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा जब्त उक्त महुआ लहान मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं जब उक्त शराब एवं महुआ लहान की कीमत 10,30,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि उक्त कार्रवाई में अवैध शराब कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए। वहीं आबकारी विभाग द्वारा शराब बनाने में उपयोग की गई सामग्री को जब्त किया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आबकारी द्वारा तो क्या पूरा मामला है, कितनी यहाँ शराब जब्त की गई है? ये अपने कलेक्टर महोदय द्वारा जो अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई जारी है, उसमें हमारे सहायक आबकारी सागर साहब और SDM महोदय ने एक टीम गठित करी। काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी भील आमला में और काफ़ी समय गठित भी नहीं हुई थी कि भारी मात्रा अवैध मदिरा का निर्माण हो रहा है। तो पूरी संयुक्त टीम गई तो वहाँ पर 8 जगह चालू हाथ भट्टी चलती हुई जिससे शराब निकाली जा रही थी। गाड़ियाँ देख के आरोपी भाग गए। करीब 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा मिली वहाँ पर और लगभग 20,000 किलोग्राम महुआ लहान। क्या सर बाजार कीमत क्या आती जा रही है इसकी? 10,30,000 के आसपास है लगभग। इससे पूर्व में भी क्षेत्र में कहीं कार्रवाई की गई थी? काफ़ी समय पहले सुनापुर में की गई थी कार्रवाई, तब भी काफ़ी मात्रा मिला था। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई दिवासी में लगातार जारी है। अभी काफ़ी जगह पर काफ़ी मात्रा में महुआ लहान किया गया है, कंजर वगैरह भेजे में, तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।